देखा था अभी तक हमने क्या देखा कि हमने स्टील बनाया कैसा, प्लेन कार्बन स्टील, जिसमें कि सिर्फ आयरन और कार्बन का हम यूज कर रहे थे और उसको स्टील बनाया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, किसी भी स्टील में आयरन, मान लीजिए हम आयरन के साथ कार्बन को मिक्स करते हैं और उसके साथ कोई एक दूसरा दूसरा मेटल, थर्ड सेकंड मेटल को मिक्स करते हैं, इस मेटल को मिक्स करते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, एलॉय स्टील बन जाएगा। एलॉय स्टील, एलॉय का मतलब क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू मेटल्स का हम क्या करते हैं, मिक्सर बनाते हैं, उसको कहते हैं हम एलॉय। तो प्लेन कार्बन स्टील में आपको और अलॉय स्टील में फर्क समझ में आ गया कि प्लेन कार्बन मतलब जहां पे आयरन और कार्बन बस होगा और उसमें सिर्फ हम कार्बन का परसेंटेज एक मिनिमम लेवल से 0.1 0.15 से लेकर के 1.2% तक धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे, और उससे धीरे धीरे करके जैसे बढ़ाते जाएंगे कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो स्टील शो करता है, तो उसको कहा जाता है प्लेन कार्बन स्टील। उसको हमने तीन सेक्शन में डिवाइड किया था। अब यहाँ पे है अलॉय स्टील, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, आयरन के साथ आयरन प्लस कार्बन प्लस सेकेंड मेटल, कोई भी एक मेटल हो सकता है, इसको मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एलॉय स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, नंबर वन, स्टील इज कंसिडर्ड टू बी एन एलॉय स्टील व्हेन द मैक्सिमम ऑफ द रेंज ऑफ द गिवन फॉर द कंटेंट ऑफ द एलॉइंग एलिमेंट एक्सीड्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। अगर हम आयरन के साथ कार्बन को मिक्स करते हैं और इसके साथ कोई भी एक एलिमेंट जो यहां लिखा हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कॉपर, इन एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज यहां पे लिखी हुई, परसेंटेज जैसे कि 1.6 1.65, यहाँ पे 0.60 और कॉपर की 0.60, इनमें से किसी की भी परसेंटेज इस परसेंटेज से ज्यादा होती है तब वो कहलाएंगे कैसे, एलॉय स्टील कहलाएंगे। ठीक है, इस रेंज के साथ अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो इनको कहा जाता है एलॉय स्टील। अगर इससे कम रहेगा तो एलॉय स्टील नहीं कहलाएगा, अगर इस परसेंटेज से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएंगे, एलॉय स्टील में कन्वर्ट हो जाते हैं, एलॉय स्टील हम उनको कहते हैं। अ डेफिनेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्पेसिफाइड और रिक्वायर्ड विथ इन द रिकॉग्नाइज फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शनल एलॉय स्टील। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, क्रोमियम हो गया, अप टू 3.9%, ये कुछ ग्रेड दिए हुए हैं कि इनको किस कितने परसेंट तक रखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, क्रोमियम अप टू 3.9%, फिर उसका कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकेल, टाइटेनियम, वेनेडियम और इस तरह के जितने एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए, सारे एलिमेंट्स की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद अगर उसको ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एलॉय स्टील में कन्वर्ट हो जाएंगे, एलॉय, इसीलिए उनको कहा जाएगा एलॉय स्टील। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया कि अगर एक कॉम्पोजिशन यहाँ शो किया है एलॉय स्टील की, अगर कार्बन का परसेंट 2.2 से 0.4 है, सिलिकॉन का 0.3 से 0.6 है, क्रोमियम का 0.4 है, आयरन का 0.6 है, और बचा हुआ जो है आपका मैग्नीशियम, निकेल, मोलिब्डेनम, इसमें से कोई भी एलिमेंट एक ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा एलॉय स्टील, इनको कहा जाता है एलॉय स्टील या एलॉइंग। अब एलॉइंग एलिमेंट ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील which is an alloy of iron and carbon and put into a slightly different class from the ordinary carbon steel। तो जैसे ही हम alloy करते हैं या alloying करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा alloy steel बनता है और वो क्या होता है, एक अलग class में जा करके रखा जाता है, किससे, ordinary ये steel होता है, ordinary steel मतलब वही plain carbon steel, यहाँ पे हम वही कह सकते हैं plain carbon steel की बात कर रहा है वो, ordinary steel या plain carbon steel से अलग class में रखा जाता है इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसकी वजह से, ये सारे अलॉइंग एलिमेंट्स की वजह से, जितने अलॉइंग एलिमेंट लिखे हुए हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हम जो अलॉइंग कर रहे हैं उसका क्या कारण क्या है, या क्या उसके पर्पस क्या, बेसिकली अलॉय स्टील में हम अगर अलॉइंग कर रहे हैं तो पर्पस ऑफ द अलॉइंग क्या है, किस क्यों हम इसमें अलॉइंग करते हैं, क्या हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। नंबर वन, स्ट्रेंथिंग ऑफ द फेराइट, अगर हमें आयरन को, फेराइट यानी आयरन, इसकी इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है किसी मटेरियल में, तो आप क्या करेंगे, एलॉइंग करेंगे उसमें। अगर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंप्रूविंग द करोजन रेजिस्टेंस, अगर हमें जैसे स्टील्स के यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स, ठीक है, यूटेंसिल्स में हमें क्या चाहिए, जिसमें हम खाना खाते हैं या फूड सर्व करते हैं, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, बर्तनों में जंग नहीं लगनी चाहिए, यूटेंसिल्स में जंग नहीं लगना चाहिए, तो वहां पे हमें क्या करना है, उस मटेरियल को कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना है।
स्टील तो आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वहाँ कोरोजन चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे हमारा फूड फूड वाला काम है, ईटिंग वाला काम है, या आपकी किचन वेयर है, तो वहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते, वहां पे हमें करोजन रेजिस्टेंस स्टील चाहिए। नेक्स्ट, बेटर हार्डनेबिलिटी, कुछ जगहों पे हमें हार्डनेबिलिटी इंप्रूव करनी होती है, तो वहां पे हम अलॉयिंग स्टील का यूज करते हैं। फिर ग्रेन साइज कंट्रोल, ग्रेन साइज कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी कास्टिंग में छोटे छोटे साइज के ग्रेन है, स्मॉल ग्रेन है, तो ये क्या होगा, अगर स्मॉल ग्रेन होंगे, स्मॉल ग्रेन साइज होंगे, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। और अगर ग्रेन साइज कैसे होंगे, बड़े बड़े ग्रेन साइज होंगे, तो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो वीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेन साइज को इम्प्रूव करने से क्या होगा, आपका हार्डनेस बढ़ जाएगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद ग्रेटर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसी के साथ साथ इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हमें मशीन करके बनाना, जैसे कि आपका इंजन का केस होता है, इंजन का केस या पिस्टन ब्लॉक, तो ऐसी चीजें जो हो गई, ये सारी चीजों में हमें मशीनिंग करना ही पड़ता है, तो वहां पे हमें क्या करना है, ऐसे मटेरियल से बनाना है जो कि हम इजिली मशीन कर सके, तो मशीन एबिलिटी हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी वो मशीन इजिली वो मशीन हो पाएगा। नेक्स्ट, इंप्रूव द हायर एंड लोअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, कुछ ऐसे जगह होती है जहां पे हमें टेम्परेचर जो है वो लोअर भी जाता है और हायर भी जाता है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे स्टील का यूज करना पड़ेगा जहां पे ना लोअर होने पे ना हायर होने पे उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़े, ऐसा ना हो कि स्टील से कुछ और बन जाए, उसका कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन चेंज हो जाए, ठीक है, तो ऐसे भी हम, इसके लिए भी हम करते हैं। इंप्रूव डक्टिलिटी, जैसे हमें वायर्स बनाने हैं, तो वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी मटेरियल की डक्टिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए हमें स्टील के वायर्स जहां होते हैं वहां पे हमें डक्टिलिटी बढ़ाना है पड़ेगा, टफनेस बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। वियर रेजिस्टेंस, जहां पे हमें क्या करना है, दो मटेरियल जैसे बेयरिंग्स हो गई, ठीक है, बेयरिंग्स में क्या होता है, आपका जो बेयरिंग होती है वो रोलर के साथ रब करती है, कंटिन्यूअसली रोलर के साथ रब करती है, तो उस रोलर की रबिंग की वजह से वियर रेजिस्टेंस वहां ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद इंप्रूव कटिंग एबिलिटी, जहां पे टूल्स का यूज, टूल्स बनाना है हमको, टूल्स बनाना है, सीएनसी टूल्स बनाना है, या कोई भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाना है, ये सारे जगहों पे हमको क्या करना पड़ता है, स्टील की कटिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। उसके बाद है लास्ट, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का मतलब होता है जैसे किसी वर्क पीस में हमको क्या करना है, सिर्फ इसके सरफेस को हार्ड करना है, जैसे मानिए आपके सिर्फ इस सरफेस को हमको हार्ड करना है, सिर्फ बाहर बाहर के सरफेस को हार्ड करना है, और अंदर के सरफेस को कैसा रखना है, सॉफ्ट रखना है, ठीक है, ये हमको हार्ड बनाना है, तो इसको किससे किया जाता है, केस हार्डनिंग से किया जाता है, इसको कहते हैं केस हार्डनिंग। अगर हमें केस हार्डनिंग करना है तो वहां पे भी हमें एलिमेंट में अलॉयिंग करना पड़ता है, ताकि उसको हम इजीली केस हार्डनिंग कर सके, अंदर का मटेरियल सॉफ्ट रहे और बाहर का मटेरियल को हम हार्ड कर सके। डिपेंड करता है, कुछ जगहों पे हमें ऐसा करना पड़ता है जहां जैसे आपका गियर्स होते हैं, गियर्स में जो आपका आउटर सरफेस होता है वो हार्ड होता है, और इनर जो होता है वो इनर जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट होता है, ताकि जो इंपैक्ट लोड को वो बियर कर सके, और हार्ड होने से क्या होगा, यहाँ पे वियर नहीं होगा, जल्दी घिसेगा नहीं बाहर का सरफेस। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे इस तरह की हमें प्रॉपर्टीज इंड्यूस करनी पड़ती है। क्लियर, तो इतनी चीजें यहाँ पे हमारे इसके अंदर आ जाती हैं, क्या पर्पस है अलॉयिंग एलिमेंट का या अलॉय स्टील बनाने का, क्या पर्पस है, क्या रीजन है।